वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स के साइज 1.5 के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है, पुराने एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व किया है और कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है, तो आप डायरेक्टली सेट्स के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो बेटा, या ऊपर आई बटन आ रहा है वहां पर भी जाकर देख सकते हो। आइए लगाते हैं पहला क्वेश्चन 1.5 का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, लेट यू, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है और एबीसी तीन सेट और गिवन है। आपको निकालना है वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा है, व्हाट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज, व्हाट द डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा उस सेट का। आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब देखो यू माइनस ए का मतलब क्या है, कि वो सारे एलिमेंट किसके, यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं हो, ठीक बात है। तो यू के वो सारे एलिमेंट को देखना है जो ए में नहीं हो। देखो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो देखो 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी कितना बचा, 5 6 7 और 8 और 9। तो देखिए आपके ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया बेटा, यू माइनस ए। बात ध्यान से समझ लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो, आपको उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दिया। तो देखो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इस सेट को माइनस करने का मतलब है यू माइनस ए का मतलब यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो ए में कौन कौन नहीं है, देखो 1 2 3 4 है, कौन कौन नहीं है, 5 6 7 8 9, तो मैंने लिख दिया, क्लियर बात है। आई सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियस बात है यहां पे क्या हो जाएगा, यू माइनस बी आपका हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यू माइनस बी का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट यू के जो बी में ना हो। अब देखो बी में है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सारे यू के किस में आ जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में। देखो तो 1 लिखेंगे भाई, 2 लिख सकते हैं नहीं क्योंकि 2 बी में है, नहीं लिखेंगे। 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 4 नहीं लिख सकते हैं। 5 लिख सकते हैं। 6 नहीं लिख सकते हैं। 7 लिख सकते हैं। 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 9 लिख सकते हैं। तो आपको देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में कितना आ गया, 1 3 5 7 9, ठीक बात है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से, यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट को माइनस कर दोगे जो बी में था, क्लियर बात है। आइए देखिए हमें अब नेक्स्ट मिला है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो तुम्हें पहले ए यूनियन सी तो निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए यूनियन सी। तो पहला काम बेटा हम लोग करते हैं कि हम ए यूनियन सी निकाल लें। अगर ए यूनियन सी की बात करो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ए यूनियन सी का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो ए में हो, सी में हो, ए में हो या सी में हो, अगर दोनों में है तो एक बार लेंगे। और देखें ए में क्या है, 1 2 3 4, और सी में क्या है, 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी में कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 पूरा ले लेते हैं बेटा, और यहां पे 3 4 है तो 5 और 6 ले लेते हैं, ठीक बात है। ये हमारा ए यूनियन सी आ गया। अब मैं बोलू ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से तुम यूनियन ऑफ ए और सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो देखो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक है और ए यूनियन सी में तुम्हारा 6 तक है, तो बचे क्या बेटा, 7 8 9। तो 7 8 9 विल बी द व्हाट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 7 8 9। हम क्या करें, अगर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन सी को माइनस करना था, तो मैंने ए यूनियन सी निकाल लिया और ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 था और ए यूनियन सी में 1 से लेकर 6 था, तो 6 तक छोड़ के 7 8 9 हमारा कहां आ गया, कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर है। आई सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट, दैट इज ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी निकालना है तो बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ए यूनियन बी के लिए करना ये पड़ेगा, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस ए यूनियन बी करोगे तुम। तो पहला काम तुम्हें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, और निकालते हैं ए यूनियन बी।
अब देखो ए में है 1 2 3 4, तो तुम लिखोगे 1 2 3 4 ए का हो गया। अब ए में हो या बी में हो और दोनों में जो होगा उसको एक बार लिखेंगे। अब देखो 2 और 4 तुम इसका लिख चुके हो, बचा क्या तुम्हारा 6 और 8, तो तुम्हारा बेटा ये आ गया क्या चीज का, ए यूनियन बी तुम्हें मिल गया 1 2 3 4 6 8। अब मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी में से यू में से ए यूनियन बी माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यू क्या है 1 2 3 से लेके 9 तक। अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस का मतलब है ए यूनियन बी के वो सॉरी यू के वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं होंगे। तो देखो 1 2 3 4 6 8 है, तो 1 2 3 4 है 5 5 होगा, 5 नहीं है इसमें, नहीं है तो लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते हैं ना, 9 लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 5 7 9। क्लियर बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ पार्ट है वो लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, अगर किसी सेट के ऊपर फिर से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बेसिकली वही सेट मिल जाता है जो सेट हमें होता है। तो जब समझिए इस बात को, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब फिर से ए मिल जाएगा। आप ए कॉम्प्लीमेंट करो, देखो तुम्हें आया है आंसर 5 6 7 8 9। अगर 5 6 7 8 9 को फिर से कॉम्प्लीमेंट तुम कर दोगे, मतलब फिर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे, तो 5 6 7 8 9 हट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 2 3 4। तो वही सेट आ गया जो सेट था 1 2 3 4। इसीलिए आप रूल को जान लीजिए, अगर किसी चीज को फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए, और ए का वैल्यू कितना बेटा 1 2 3 4। ठीक बात है। हम लोग को बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब यू माइनस हमें बी माइनस सी करना पड़ेगा। तो पहला काम हम क्या कर लेते हैं, बी माइनस सी को निकाल लें, बी माइनस सी निकालना है। तो बी माइनस सी का मतलब है वो सारे एलिमेंट बी के जो सी में ना हो। अब देखो बी और ये सी है, तो बी माइनस सी का मतलब है हम वो एलिमेंट को नहीं लेंगे बी के जो सी में होंगे। देखो 2 इसमें है, नहीं है सी में है, तो लिखोगे 2। 4 इसमें है, नहीं लिखोगे। 6 इसमें है, नहीं लिखोगे। 8 इसमें नहीं है तो लिखोगे। तो बी माइनस सी तुम्हारा कितना हो गया 2 और 8। क्लियर बात है। बी माइनस सी का मतलब है वो सारे एलिमेंट बी के जो सी में नहीं हो वो बी माइनस सी में आएंगे। अब बेटा हमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस बी माइनस सी, मतलब बी माइनस यू के वो सारे एलिमेंट जो बी माइनस सी में ना हो। अब देखो बी माइनस सी में केवल 2 8 आ रहा है, तो तुम 2 और 8 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को लिख दोगे, दैट विल बी इन द बी माइनस सी। तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1 3 फिर 5 1 3 4 भी, 4 भी तो नहीं है, 4 5 6 7 8 नहीं लिखोगे क्योंकि 8 तो उसमें है, 9। तो आपके बी माइनस सी में के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। कैसे निकाले, पहले बी माइनस सी निकालेंगे, तो बी माइनस सिक्स सी आया 2 और 8, और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। क्लियर बात है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, इफ यू इज गिवन ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच सेट्स। आपके पास ये 4 सेट है ए बी सी डी, आपको ये चारों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। ठीक बात है, आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दोगे तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, मतलब यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। अब देखो ए बी सी तुम्हारा यू में था, तो क्या क्या नहीं हो, लिख दो तुम डी ई एफ जी और एच, ये तुम्हारे किस में आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। क्लियर बात है। तो वो सारे एलिमेंट यू के जो ए में नहीं है। ठीक बात है, आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यू माइनस बी। आइए सॉल्व करते हैं यू बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यू के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो। अब देखो डी ई एफ जी है, तो डी ई एफ जी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब क्या ए बी सी। ठीक, अब डी ई एफ जी तो आपके बी में है, तो इनको आप इंक्लूड नहीं करोगे, आखिरी बचा कौन सा, ए बी सी और एच लेते हैं। ठीक बात है, तो आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया यू माइनस बी। क्लियर है, आइए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका, सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट हुआ यू माइनस सी,
यू के वो सारे एलिमेंट जो सी में ना हो। तो देखो ए सी ई जी है, ए सी ई जी, तो ए सी ई जी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, लेंगे। तो देखो ए के बाद क्या लेंगे बेटा, बी लेंगे, बी के बाद क्या लेंगे, डी लेंगे, डी के बाद क्या लेंगे, एफ लेंगे, ई तो नहीं लेंगे ना, ई तो इसमें है, फिर एफ लेंगे और फिर क्या लेंगे बेटा, एच लेंगे। तो आपका सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यू माइनस सी। ठीक बात है, आई सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका, डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस डी, तो यू में से डी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब वो सारे एलिमेंट यू के जो डी में ना हो। ठीक है, इसमें है एफ जी एच ए, एफ जी एच को छोड़ के और ए को छोड़ के बाकी सारे इसमें आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे, बी सी डी और ई, दैट विल बी इन द डी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बात है, ये क्वेश्चन नंबर टू था, कितने आसानी से हो गया। ठीक बात है, आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट लेना है, नेचुरल नंबर का सेट मान लिया आप लोगों ने, राइट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आपके पास 10 पार्ट्स हैं, उनके सारे के कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। ठीक है, मतलब आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक, मतलब 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, और जितने भी क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक बात है, ये सेट है, लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ये सारे सेट्स के एलिमेंट को आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। अब खुद आप सोचिए, नेचुरल नंबर का सेट है, अगर उसमें से हम इवन नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यू माइनस ए, यही तो होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट में जैसा कॉम्प्लीमेंट निकाला उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू माइनस ए क्या आपका मिल जाएगा, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अगर आप इवन को घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज का लिख लो, एक्स दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हर जगह लिख देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, एक्स इज दैट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर मिल जाएगा। क्लियर बात है, आई सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। इज अपोजिट है, एक्स इज दैट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। भैया अगर हम पूरे नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचने वाला है हमारे पास, केवल इवन नेचुरल नंबर, या कहें कि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर में से वो सारे कौन से एलिमेंट होंगे जो इस सेट में नहीं होंगे, इस सेट के वो सारे एलिमेंट जो उसमें नहीं होंगे। अगर आप समझो नेचुरल नंबर में से अगर आप लोग ऑड को हटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इवन नेचुरल नंबर। तो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट को मान लो, एक्स इज दैट, एक्स इज एन व्हाट, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपका हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक बात है, थर्ड पार्ट देखिए, एक्स इज दैट, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड पार्ट आपका है और उसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब समझ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का हमेशा मतलब है आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करो, मतलब यू माइनस ए का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट ऑफ यू दैट आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर सेट। तो ये सेट है किसका, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 के, इस सेट में पूरे पॉजिटिव मल्टीपल आ रहे हैं 3 के, मतलब नेचुरल नंबर के। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर आपको नेचुरल नंबर में से वो सारे नंबर्स को हटा लीजिए जो कहां पे होंगे, पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होंगे, तो आप लिख सकते हैं x as that, x कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, जो ये लिखने का x इवन नेचुरल नंबर, x as that, x बिलोंग इन नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, x कहां बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और वो मल्टीपल नहीं है 3, तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसके सेट में क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो वो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इसको हटाएंगे तो वो समय में क्या मिलेंगे, वो नंबर ही मिलेंगे जो मल्टीपल नहीं रहेंगे। क्लियर है, आई फोर्थ पार्ट देखते हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर आप देखते होंगे तो नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है, प्राइम नंबर भी होते हैं और कंपोजिट नंबर भी होते हैं, लेकिन एक वन भी होता है, वन इज नॉट अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट, तो वन अकेला नंबर हुआ और फिर 2, 5, 3, 7 जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर है, 6, 8, 9 ये सारे आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो अगर आप प्राइम नंबर को हटाओगे अपने यूनिवर्सल सेट में से तो तुम्हें मिलेगा कंपोजिट नंबर, लेकिन वन भी मिलेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज दैट, x इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक, और क्या हो बेटा, एंड
एक्स इज इक्वल टू वन, क्या वो अगर आप पूरे नेचुरल नंबर के सेट में से प्राइम नंबर को हटाओगे तो आपको कंपोजिट नंबर मिलेगा या वन मिलेगा, तो यही मैंने लिख दिया एक्स इज दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, एक्स कंपोजिट नंबर बच रहा है कॉम्प्लीमेंट में या बच रहा है एक्स इज इक्वल टू वन, क्लियर बात है। आई सॉल्व करें एक्स इज ए नेचुरल नंबर, फिफ्थ पार्ट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, एक्स वो नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल है, ठीक बात है, तो नेचुरल नंबर है जो 3 और फिर से आपसे 3 और 5, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो जैसे मैं आपसे कहूं 15, 30 ये सारे नंबर हुए, तो इसके अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, अगर इस सेट के एलिमेंट को मैं किससे हटा दूंगा, नेचुरल नंबर के सेट से हटाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे वो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो उनको लेना होगा, ठीक बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा x such that x belong in n, x कहां बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, तो 3 या 5 से नहीं डिविजिबल है वो नंबर, समझ रहे हैं, आपके पास वो सेट था नेचुरल नंबर का जो 3 और 5 दोनों से भी डिविजिबल था, अभी जो आएगा वो क्या होगा नहीं डिविजिबल होगा, ना 3 से डिविजिबल होगा और ना 5 से डिविजिबल होगा, वो जो नंबर बचेंगे वही क्या होंगे आपके ए कॉम्प्लीमेंट होंगे, क्लियर बात है। आई सिक्स पॉइंट लगाए एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो अगर भैया आप परफेक्ट स्क्वायर को हटाओगे कहां से नेचुरल नंबर के सेट में, तुम्हें क्या मिलेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो यही हो जाएगा, इसे कॉम्प्लीमेंट करूंगा बात करूंगा क्या होगा x such that x belongs in what natural number and x is not a perfect square, x is not a perfect square, और x क्या नहीं होगा एक perfect square नहीं होगा, clear बात है कि x is a perfect square, तो अगर natural number के set में से आप, क्योंकि वो universal set है, उसमें से वो numbers को आप हटाएंगे जो perfect square नहीं है, है अगर परफेक्ट स्क्वायर को है वाले को हटाएंगे तो क्या मिलेगा नहीं वाले मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर है। आइए लगाते हैं सेवन पार्ट को, सेवन पार्ट इज व्हाट एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे भी आप लोगों ने पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया परफेक्ट स्क्वायर का, अगर आप नेचुरल नंबर की सीरीज में से जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से परफेक्ट क्यूब को हटा दोगे तुम्हें वही नंबर्स मिलेंगे बेटा जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, तो बेसिकली यहां पर ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, एक्स तो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एक्स क्या नहीं होगा नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्लियर बात सबको समझ में आ रही है, हम यूनिवर्सल सेट मतलब नेचुरल नंबर में से वो सारे वैल्यूज को हटा ले रहे हैं, क्लियर बात है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एट पार्ट, x such that x plus 5 is equal to 8, मतलब यहां पर जो डेफिनेशन है वो ये बोल रही है कि x plus 5 is equal to 8, अगर आप सॉल्व करोगे x plus 5 is equal to 8 मतलब x is equal to 3, x की वैल्यू 3 है, कहां पे ये सेट में x is equal to 3 आ रहा है, ठीक है, मतलब सेट में केवल एक एलिमेंट 3 है, और अगर आपका इसका क्या निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस a, यूनिवर्सल सेट में से 3 को माइनस कर दो, तो सारे नेचुरल नंबर में से अगर तुम 3 को माइनस करोगे तो सभी नेचुरल नंबर आएंगे केवल 3 को छोड़ के, ठीक बात है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो वो क्या होगा x such that x belong in natural number and x not equal to 3, x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी 3 के बराबर, क्लियर है। आपने इस सेट को सॉल्व किया उसकी वैल्यू 3 आई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका ये कॉम्प्लीमेंट होगा कि ये वैल्यू को छोड़कर आप u में से जितनी वैल्यू होगी सबको लिख लोगे, तो नेचुरल नंबर के u में क्या होगा 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, बस 3 नहीं होगा, क्लियर है। आई सॉल्व करते हैं इसका नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट है x such that x is equal to 2x plus 5 is equal to 9, अगर आप इसको बेटा यहाँ पे सॉल्व करते हो तो 2x plus 5 is equal to तुम्हारा 9 आया, तो 2x is equal to कितना आ गया 5 minus 9 4 हो गया, और x is equal to तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया, देख रहे हो 2x plus 5 is equal to 9, तो 2x plus 5 is equal to 9, 2x is equal to 4, x is equal to 2, मतलब यहाँ पर अगर तुम्हें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो नेचुरल नंबर में क्या है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो केवल देखोगे इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 2x plus 5 equal to 9 में x की वैल्यू केवल 2 आ रही है, तो इस 2 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर आने वाले हैं, तो इसे भी क्या हो जाएगा आसान सा कॉम्प्लीमेंट x such that x belong in natural number and x not equal to 2, और x की वैल्यू 2 के बराबर
नहीं होगी। क्लियर बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, बार बार सेट को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट क्या कहता है, x such that x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 7। समझ रहे हो, जैसे तुम्हारे पास u है 1, 2, 3 से लेके 4 से लेके 5 से लेके इन्फिनिटी तक, और तुमने जो सेट सॉल्व किया इसमें मान लो सेट का नाम x है, ये बोल रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 रहेगी, मतलब 7 से बड़ी रहेगी, सॉरी x की वैल्यू क्या है आपकी 7 से बड़ी रहेगी कि छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी और उसके बराबर रहेगी, मतलब 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ने वाली है। ठीक बात है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो इसमें एलिमेंट रहेगा उसको छोड़ के, तो 7 छोड़ के कहां तक आ जाएगा तुम्हारा, लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 से लेके इन्फिनिटी तक तो वैल्यू रहने ही वाली है एक्स की, उससे पहले की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो उससे पहले की वैल्यू क्या होगी 7 से कम, तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू क्या होगी जो ये ग्रेटर और इक्वल टू 7 था, मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 7 थी, इस बार क्या होगी लेस देन 7 हो जाएगी। ठीक बात है, पहले बड़ी और बराबर थी 7 से, अभी क्या होगी 7 से छोटी रहेगी, कि 7 से बाद की सारी वैल्यू यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो बचेगा क्या 7 से पहली वैल्यू से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही केवल नेचुरल नंबर में बचेगा। क्लियर बात है, आइए सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन नेचुरल नंबर एंड 2x + 1। देखो 2x + 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 9/2। अब देखो इस सेट में क्या आ रहा है कि वैल्यू x की ग्रेटर देन 9/2 आ रही है। ठीक बात है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2 आ रही है तो इसे कॉम्प्लीमेंट में 9/2 से क्या होगी वैल्यू छोटी होगी या उसके बराबर, उसके अपोजिट होगी ना, मतलब 4.5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम नेचुरल नंबर में से इस वैल्यूज के छोटे या इसके बराबर वैल्यू को लेने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लो इसका, अगर कॉम्प्लीमेंट लिखोगे इस क्वेश्चन का दैट 11 पार्ट का, x सच दैट x कहाँ बिलोंग करेगा बेटा नेचुरल नंबर में, एंड x की वैल्यू क्या होगी यहाँ ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी 9/2, लेस देन और इक्वल टू 9/2, तो ये आपका 11 पार्ट का हो गया कॉम्प्लीमेंट। एकदम कॉन्सेप्ट समझ के चलिए, ये आया x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2, मतलब x की वैल्यू 9/2 से बड़ी वैल्यू तक आ रही है। ठीक है, मतलब 5, 6, 7, 8 चलता रहेगा ऐसे, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5, 6, 7, 8 को छोड़ के वैल्यू को लेना पड़ेगा, तो क्या बचा 1, 2, 3, 4 या 9/2 से छोटी या उसके बराबर, तो इसे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक बात है, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।